तो दोस्तों यहाँ रुके हुए थे अब्दुल समद साहब। आज जुम्मा का दिन है, तो आज है 28 यानी 27 जनवरी 2023। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन भाई के होटल में रुके हुए थे जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अजमेर के लिए चला गया था अब्दुल समद साहब को छोड़ करके, यहाँ तालासेरी से यानी महाराष्ट्र का आखिरी गुजरात बॉर्डर के पास से मैं छोड़कर चला गया था अजमेर। तो अजमेर से मेरी वापसी हुई, तो मेरे दोबारा जाने का रास्ता है, तो दोबारा से अब्दुल समद साहब के मेरी मुलाकात हो गई। तो एक रात दोबारा साथ में थे, तो इस हाईवे से मेरा गुजरना था, तो दोबारा इनका दीदार नसीब हो गया, मुलाकात हो गई। तो फिर एक रात एक दिन इनके साथ में रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जुमा का दिन है, तो आज ये दोबारा अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और मैं भी अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। और मेरी बाइक आप देख सकते हैं, रात में यहाँ खड़ा किए थे, हम अंदर ही सोए थे, अंदर ही नमाज के लिए सब सहूलत है। इन भाई का बहुत प्यार बहुत चाहत, हमें खाना खिलाया, बहुत खिदमत की हमारे खातिर, तवाज़ु की क्या कहने। और हमारी जो जुदाई का जो गम है, भाई को बहुत सदमा हुआ, हम जब निकल रहे यहाँ से तो बहुत रोए भाई ने कि हमको ऐसा सोनी सोनी करके आप जा रहे हैं, यहाँ पे खाली खाली लग रहा है आप जाने से। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं दोनों में बहुत गम है, लपेट कर हमें रोने लगे भाई साहब। असल में ये यूपी के हैं, यहाँ होटल चलाते हैं। ये जगह का नाम क्या है? गरीब नवाज ढाबा है। और ये जगह का नाम क्या बोले? बटवाड़ है ये, और गुजरात में बटवाड़ है, चकली चिकली चिकली से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम इनसे पूछते हैं कि समद भाई के सफ़र को लेकर के ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप सफर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बस सफर के लिए जो समद भाई जा रहे हैं, अल्लाह ताला सहारे बंदे मोमिन से गुजारिश है कि इनके सफर आसान फरमाए और मदीने पाक की बाअदब हाजिरी नसीब करे, और हर मोमिन मोमनात को मदीने पाक की बाअदब हाजिरी नसीब करे। तो अल्लाह पाक हर बंदे को अपना खौफ अपने प्यारे महबूब सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, यही सबसे बड़ी आखिरत और दुनिया और आखिरत की भलाई है। हर बंदे को हर मोमिन मोमनात से गुजारिश है कि इनके लिए सफर के लिए दुआ करें, जो समद भाई जो अपने दिल में तमन्ना रखे उनकी आरज़ू अल्लाह पूरा फरमाए। जो अगर एक दूसरे के लिए भलाई चाहते हो तो एक दूसरे के लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाब रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, हर मोमिन मोमनात के लिए दुआ है, अल्लाह कबूल फरमा ले, हर मोमिन मोमनात के कारोबार में बरकत अता करें, अपने बंदों की अल्लाह खिदमत करने की तौफीक दें। सबसे बड़ी खुश अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। तो अपने हर बंदे को आपको खुशी देना चाहे तो, रब को खुश करना चाहे तो बंदों को खुशी करो, तो हमेशा खुश रहोगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह മക്കളിലൂടെ വേണം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും രക്ഷപ്പെട്ട് നേടാൻ. ഈ ഷെയ്ത്താൻ നാശം പിടിച്ച ഷെയ്ത്താൻ ആദ്യം നോട്ടം വെക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെയും ഇതുപോലെയുള്ള മക്കളുകളെയാണ്. അള്ളാഹു ഇവരെ ഇഖ്ലാസും ഈമാനുമുള്ള മക്കളാക്കിയിട്ട് വളർത്തുമാറാകട്ടെ. ഇവരിലൂടെ എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ഒരുപാട് കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു ഖൈറായ വഴിയും ഖൈറായ മാർഗവും നൽകുമാറാകട്ടെ. എനിക്കെന്നെ പറ്റി ഇതെല്ലാം പേടിയുള്ളത്, എനിക്കെന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭയവുമില്ല. കാരണം ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും സർവ്വ രക്ഷയും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രക്ഷ നൽകുന്നുള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹു ഖൈറായ ആഗ്രഹം.